आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह डिजीज है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस से जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि पेरिटोनियम क्या होता है। पेरिटोनियम में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उस बीमारी को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। और पेरिटोनियम जो होता है वह कवरिंग ऑफ एब्डोमेन, यानी कि जो हमारे एब्डोमेन को कवरिंग करता है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम क्या करता है कि हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें बहुत सारा इसके इनर में बहुत सारा ऑर्गेन्स है, जैसे इंटेस्टाइन, किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, और फीमेल में जाइएगा तो फलोपियन ट्यूब है, ओवरी है। तो जितना भी भीतर पेट का जो कोवरिंग करता है, बाहर से एक परत है जिसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इसको कोवरिंग करता है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम दो तरह के पाए जाते हैं, एक इनर पेरिटोनियम और एक आउटर पेरिटोनियम। इनर पेरिटोनियम को हम लोग विसरल लेयर बोलते हैं, आउटर पेरिटोनियम को हम लोग पेराइटल लेयर बोलते हैं। पेराइटल लेयर क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी चोट से बचाव करता है हमारा। तो अब पेरिटोनाइटिस कैसे हो जाता है, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, द थिन टिश्यू दैट लाइन्स द इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन एंड कॉज मोस्ट ऑफ द एब्डोमेन एब्डोमिनल ऑर्गन्स। मतलब कि किसी भी कारण से यदि इन्फ्लामेशन पेरिटोनियम जो उसको कोवरिंग कर रहा है, जो उसका लेयर है, जो इनर लेयर है, जो जो इंटेस्टाइन का जो एब्डोमेन के जितने भी पार्ट हैं, अंदरूनी पार्ट को कोवरिंग प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसके कोवरिंग करने वाले पार्ट जो होता है पेरिटोनियम में, यदि किसी कारण से, किसी पैथोलॉजिकल कारण से, किसी बैक्टीरियल कारण से या फिर किसी अन्य कारण से इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे होने वाली बीमारी को हम लोग पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो पेरिटोनाइटिस जो होता है वह एब्डोमेन के से रिलेटेड डिजीज में आता है। और यह दो तरह का पेरिटोनाइटिस जो होता है वह दो तरह का पेरिटोनाइटिस पाया जाता है। एक होता है जो प्राइमरी, या इसको स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो प्राइमरी या स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस इस तरह का पेरिटोनाइटिस है, देखिए जहाँ पे टाइटिस लग जाता है वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। हम बताए थे कि व्हाट इज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन पांच चीज़ों से कोलिब्रेशन से होके मिल के मना होता है। जहाँ पे इन्फेक्शन लगेगा वहाँ के अगल बगल एरिया में क्या होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, रेडनेस होगा, फीवर होगा, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वहाँ का सेल टिश्यू में पैथोजेनेसिस के चलते वहाँ पे चेंजेज आएगा, तो यह सब होता है। तो हम लोग जो इन्फेक्शन लग गया एब्डोमिनल के कोवरिंग करने वाले लेयर में, उसको हम लोग पेरिटोनाइटिस बोले। पेरिटोनाइटिस दो तरह का होता है, प्राइमरी एक जिसमें पहला जो आता है वह प्राइमरी स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस होता है। यह इन्फेक्शन होता है कि एन इन्फेक्शन डैट अकर्स एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसाइटिस, यानी कि ए कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन द पेरिटोनियल कैविटी विच इज यूजुअली साइट ऑफ लीवर और किडनी फेलियोर। मतलब कि एक ऐसे तरह का इन्फेक्शन जो एसाइटिस होने के चलते शरीर में, एसाइटिस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाटर इन एब्डोमिनल कैविटी, यदि पेट में पानी हो जाता है तो उसको एसाइटिस बोलते हैं। भोजपुरी में या हिंदी में पेट में पानी भर जाना को जलोदर बोलते हैं। तो किसी भी बीमारी के चलते, खास करके लीवर के बीमारी में और किडनी के बीमारी में, लीवर के बीमारी में एसाइटिस डेवलप करता है, और दूसरा किसी कभी कभी किडनी में जब एक्यूट रीनल फेलियोर, क्रोनिक रीनल फेलियोर का केसेस आता है, तो उसमें आउटपुट जो होता है वह प्रॉपर तरीका से बाहर नहीं निकलता है, जिसके चलते जो वाटर है वह बैक होके एब्डोमेन में जमा होने लगता है, तो वहाँ पर एसाइटिस डेवलप करता है। यानी कि लीवर की बीमारी में या किडनी के बीमारी में यदि किसी कारण के चलते पेट में इन्फेक्शन हुआ, पेट का जो कोवरिंग कर रहा है वहाँ के पेट के जो कोवरिंग करने वाले पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हुआ, इस कारण से यानी कि एसाइटिस के कारण से जो कि लीवर या किडनी से उत्पन्न हुआ है, उस तरह के होने वाले पेरिटोनाइटिस को हम लोग प्राइमरी या स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। दूसरे तरह का जो आता है वह होता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस।
सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस उस तरह का इन्फेक्शन है जो किसी दूसरे बीमारी के प्रभाव के चलते, दूसरे बीमारी का इन्फेक्शन जो शरीर में हुआ और वह इन्फेक्शन एक जगह से उस जगह से दूसरे जगह, मतलब कि पेरिटोनियम में भी आ गया, एब्डोमिनल कैविटी में भी आ गया, ऐसे एपेंडिसाइटिस हुआ और एपेंडिसाइटिस के जलवा द्वारा जो पस निकला या फिर वह परफोरेशन हुआ, उसके चलते जो भी पैथोजेनेसिस जो होता है, जो इन्फेक्शन जो बढ़ के पेट के कवरिंग करने वाले लेयर पेरिटोनियम को भी मतलब कि इन्फेक्टेड किया, तो उस तरह से होने वाले इन्फेक्शन को हम लोग सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कि किसी दूसरे बीमारी के प्रभाव के चलते या दूसरे बीमारी के इन्फेक्शन के चलते यदि एब्डोमन को कवरिंग करने वाला लेयर पेरिटोनियम भी ग्रसित होता है, पेरिटोनियम भी उसमें शामिल होता है, उसमें भी इन्फेक्शन लगता है, तो उस तरह से होने वाले इन्फेक्शन को हम लोग सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। अब हमने जाना क्या कि व्हाट इज द प्राइमरी पेरिटोनाइटिस एंड व्हाट इज द सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब हम लोग इसका पैथोफिजियोलॉजिकल जानेंगे कि आखिर में यह पेरिटोनाइटिस डेवलप कैसे किया शरीर में, तो इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। किसी भी कारण से, चाहे वो एसआईटीस के कारण से या किडनी खराबी के कारण से या बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण से, किसी भी कारण के चलते सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ पे इन्फेक्शन जनरेट किया और वह इन्फेक्शन क्या किया, शरीर को एब्डोमेन का जो कवरिंग करता है उसके लेयर को, उसके आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को इफेक्ट किया और वहाँ पे पेरिटोनाइटिस डेवलप किया। फिर पेरिटोनाइटिस में क्या हो गया कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किया और ग्रोथ करके वहाँ के इनर लेयर को डिस्टर्ब किया और वहाँ के इन्फेक्शन, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हुआ। जब इन्फेक्शन कॉज होगा तो वहाँ पेन होगा, टेंडरनेस होगा, फीवर आएगा, स्वेलिंग होगा, यह सब सिम्टम ग्रसित होगा और उसके बाद जो सिम्टम आने के बाद जो बीमारी का डायग्नोसिस होगा वह पेरिटोनाइटिस कहलाएगा। क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब पेरिटोनाइटिस के कारण क्या क्या हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। द इन्फ्लामेशन ऑफ यूजुअली कॉज्ड बाय फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे क्या होता है कि कुछ केसेस में देखा गया है कि पेरिटोनाइटिस जो होता है वह कुछ फंगल इन्फेक्शन के चलते और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते पेट में ग्रोथ करते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन का भी कुछ प्रकार है जिसमें पेरिटोनाइटिस डेवलप होता है। उसके बाद जो होता है कि कुछ इन्फेक्शन जो है जो शरीर में क्या होता है कि मेडिकल, जैसे मानते हैं कुछ मेडिकल प्रोसीजर किए और उसके द्वारा पेरिटोनियल डायलाइसिस हुआ, यानी कि मतलब कि पेट का कोई चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान या सर्जरी के दौरान या कोई भी प्रोसीजर करने के दौरान उसके इफेक्ट के चलते दूसरा जो आउटर लेयर या इनर लेयर है जो एब्डोमेन को कवरिंग कर रहा है उसके साथ साथ वह भी इन्वॉल्व हो गया और उसके चलते एब्डोमिनल का जो कवरिंग कर रहा है पेरिटोनियम उसमें बीमारी पैदा हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इस कैटेगरी में रखेंगे। या फिर अपेंडिक्स का कॉजेज हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर अपेंडिसाइटिस हुआ या रप्चर अपेंडिस हुआ, किसी को अपेंडिस का बीमारी, इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिस इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस या रप्चर अपेंडिस, यानी किसी को अपेंडिस का इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के बाद उसमें इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद क्या हुआ कि वहां पर रप्चर कर गया, अपेंडिस फट गया और अपेंडिस फटने के बाद वहां से लीक कर गया और लीक करने के बाद वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, वहां पैथोजेनेसिस हुआ और उसके चलते वहां बैक्टीरिया का ग्रोथ करने के चलते वहां का जो कवरिंग करने वाला जो मेम्ब्रेन है उसको इफेक्ट किया और पेरिटोनाइटिस डेवलप हुआ। तो यह सब केस में पेरिटोनाइटिस डेवलप हो रहा है। वैसे ही हम लोग देखेंगे पेंक्रियाज भी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, तो इन्फेक्शन ऑफ पेंक्रियाज इज कॉल्ड पेंक्रियाटाइटिस। यदि किसी कारण से पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हुआ, पेंक्रियाज में इन्फेक्शन के चलते, पेंक्रियाज के इन्फेक्शन के फलस्वरूप उसके प्रभाव के चलते फिर एब्डोमेन के कवरिंग करने वाले पेरिटोनियम को इन्फेक्शन पैदा हुआ, तो उसके चलते पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है। या फिर कभी कभी पेट में ट्रॉमा हुआ या एब्डोमिनल इंजरी हुआ, मानते हैं कभी पेट में किसी भाग में किसी चीज़ से चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा हो गया, इंजरी हो गया, उसके चलते उसके प्रभाव से मानते हैं किसी हम लोग बाइक चलाते समय या किसी भी कारण से गिर गए, पेट के इनर मेम्ब्रेन में चोट लगा, उस समय हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहाँ पर ट्रोमा ऐसा लगा, लेकिन उसके ट्रोमा के चलते जो ब्लड क्लॉट हुआ या फिर वहाँ का सेल टिश्यू डेवलप हुआ उसके चलते इन्फेक्शन डेवलप हुआ और उसके इन्फेक्शन डेवलप होने के चलते वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आगे जाके पेरिटोनियम को भी इन्फेक्शन किया, तो वहाँ पर भी पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है।
या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर, यदि किसी कारण से लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर का सेल चेंजेज हो रहा है। लीवर सिरोसिस तीन तरह का होता है, मिक्स लीवर सिरोसिस, मेडुलर, नॉन मेडुलर। तो एक लीवर सिरोसिस क्या होता है कि जिसमें लीवर का जो होता है पेरिकाइमा सेल जो बना रहता है वह सेल चेंज होने लगता है। ज़्यादा अल्कोहलिक पेशेंट को या हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को लीवर सिरोसिस का चांस रहता है। तो यदि किसी कारण से लीवर सिरोसिस हुआ और लीवर सिरोसिस के चलते भी एसाइटिस पेट में डेवलप होता है और उस एसाइटिस के जमावट के चलते वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा और उसके कॉम्प्लिकेशन से सेकेंडरी दूसरा इन्फेक्शन होगा तो वहाँ भी पेरिटोनाइटिस होने का चांस बन सकता है। या फिर कोलेसिस्टाइटिस। What is cholecystitis? Cholecystitis is the infection of inflammation of gallbladder. यदि किसी कारण के चलते gallbladder में सूजन हुआ, gallbladder से related disease है, वहाँ पे infection growth किया gallbladder में और gallbladder के infection के प्रभाव से फिर उस organ से दूसरा उसे covering करने वाले जो abdomen covering कर रहे हैं peritoneum में infection पैदा हुआ तो उसके प्रभाव के चलते भी peritonitis develop कर सकता है। या फिर औरतों में होने वाली बीमारियाँ जो होती है gynecological problem में होता है PID मतलब pelvic inflammation disease। तो पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज के कंडीशन में औरत को बहुत दिनों तक गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है तो उसके प्रभाव के चलते पीआईडी के साथ साथ उस औरत को कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेरिटोनाइटिस डेवलप कर सकता है। और मानते हैं कोई गायनोलॉजिकल सर्जरी हुआ है या सीजेरियन हुआ है या स्टेक्टोमी हुआ है या ट्यूबलाइजेशन हुआ है या ओवेरियन सिस्ट का रिमूवल हुआ है, कोई भी तरह का सर्जरी हुआ है और उस सर्जरी के प्रभाव के चलते किसी सर्जरी के दौरान उस ऑर्गेन्स में कोई इन्फेक्शन लगने के चलते उस इन्फेक्शन के प्रभाव के चलते शरीर का एब्डोमेन का जो बाहरी या इनर लेयर है जो पेरिटोनियम उसको भी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन पैदा हो गया तो वहाँ भी पेरिटोनाइटिस डेवलप कर सकता है। इस तरह हम लोगों ने कॉजेज जाना कि किस किस बीमारी में पेरिटोनाइटिस होने का चांस जो है वह बढ़ जाता है, यह हमने समझा यहाँ पे। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या क्या मिलेगा, पेरिटोनाइटिस के पेशेंट को क्या क्या सिम्टम मिलेगा, यह सिम्टम हम लोग समझेंगे। कुछ कुछ कॉमन सिम्टम है जिसको हम लोग पकड़ के मरीज को यह डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मरीज को पेरिटोनाइटिस है कि क्या तरह का प्रॉब्लम है, कैसे क्या है। इसमें सिम्टम में आएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेंडरनेस इन एब्डोमेन, यानी कि हम लोग पेट का जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग 9 भागों में बांटे हुए हैं, 9 भागों का हम लोग नाम इसके पहले वीडियो में बना चुके हैं कि 9 भाग में कौन कौन ऑर्गेन्स होता है, कौन कौन तरह का डिजीज होता है। तो पेरिटोनियम के किसी भाग में टेंडरनेस होता है, टेंडरनेस मतलब कि आप ऐसे हाथ दबाते हो, अगर दबाने पर वहाँ पे पेशेंट को पेन फील होता है, दर्द महसूस होता है, यानी दबाने पे दर्द होना, दिस इज कॉल्ड टेंडरनेस। तो पेशेंट को एब्डोमिनल कैविटी में टेंडरनेस मिलेगा। उसके बाद क्या हो गया कि पेशेंट को सीवियर पेन मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन मरीज को जो होता है पेट में, पूरे पेट में मरोड़ मरोड़ किया लगातार बहुत तेज मात्रा में दर्द हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पेन होगा, फीवर होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यह बार हम बार बार बताते हैं। उसके बाद जब एब्डोमिनल में इन्फेक्शन हुआ तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को डिसफंक्शन करेगा, वहाँ के फिजियोलॉजिकल और एनाटोमिकल एक्टिविटी को घबराएगा, एनाटोमिकल को नहीं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को घबराएगा और उसके चलते पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगा, नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी आएगा, नोजिया वोमिटिंग होगा। फिर उसके इंटेस्टाइन में इरेगुलरिटी के चलते वहाँ पे लूज मोशन, उस पेशेंट को लूज मोशन डायरिया का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का डिजीज में पुअर एपेटाइट, यानी जितना भी हम लोग देखते हैं कोई भी इन्फेक्शन अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हुआ, चाहे वह पेरिटोनाइटिस के चलते हो रहा है, चाहे अपेंडिसाइटिस के चलते हो रहा है, या डायरिया के चलते हो रहा है, या डिसेंट्री के चलते हो रहा है, या पेंक्रियाटाइटिस के चलते हो रहा है, या कोलोसिस्टाइटिस के चलते हो रहा है, या जिसके चलते भी हो रहा है, वहाँ पे नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी, एब्डोमिनल पेन, हाँ, उसके बाद पुअर एपेटाइट, यह सब कंडीशन, डायरिया, हाँ, एक्सेसिव, यह सब कंडीशन रेगुलर में आते रहता है। उसके बाद पेरिटोनाइटिस का लक्षण है एक्सेसिव थर्स्टी, पेशेंट को हमेशा प्यास लगेगा, लगेगा कि उसको हमेशा प्यासा है, पानी ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड, सेप्टिसिमिया ऑफ ब्लड, उसको हमेशा ज़्यादा जोर से प्यास लगेगा। पेशेंट जो होता है इन्फेक्शन के चलते या फिर और बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का बढ़ाने के चलते पेशेंट को थकान महसूस होगा, फटीगम पेशेंट फील करेगा, फीवर आएगा, उसको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, लो ग्रेड या फिर
बॉडी का टेम्परेचर 100 से ऊपर रहेगा, फीवर रहेगा, पेन रहेगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, प्यास ज्यादा लगेगा, हाँ, और उसके बाद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और उसका जो होता है यूरिन आउटपुट जो हो सकता है वह कम पड़ सकता है, यह सब उसके सिम्टम्स में आ गया, वह सब इसके लक्षण में आ गया। अब पेशेंट से हम लोग उसका हिस्ट्री टेकिंग क्या करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करने के पहले हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि चलिए भाई आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, पहले से कोई सर्जरी हुआ है, पहले से कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, पेट में दर्द कितना दिन से है, हाँ क्या क्या खाए थे, खाना में क्या गड़बड़ाया था, कभी कोई चोट तो नहीं लगा है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, हाँ, इस तरह का हम लोग सिम्टम हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, कौन कौन दवा खाया है, क्या किया है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे कि पेट में टेंडरनेस तो नहीं है, फ्लूटनेस तो नहीं है, किस तरह पेट सॉफ्ट है कि हार्ड है, यह सब हम लोग देखेंगे। ब्लड टेस्ट में हम लोग कराएंगे, ब्लड टेस्ट में हम लोग सीबीसी कराएंगे, सीबीसी में क्या मिलेगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा रहेगा, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, फ्लूइड एनालिसिस करा सकते हैं, सोडियम पोटेशियम करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन और एक्सरे कराकर, अल्ट्रासोनोग्राफी कराकर हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो यह सब एडवांस कैटेगरी का सब रिसर्च जांच हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, द ट्रीटमेंट इज पेरिटोनाइटिस इज मल्टी, मतलब कि जैसा उसको सिम्टम होगा, जिस तरह का इन्फेक्शन लगेगा एपेंडिसाइटिस के साथ है कि सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस है कि प्राइमरी पेरिटोनाइटिस है, तो उस तरह के सिम्टम के अनुसार हम लोग उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के अनुसार ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। पेशेंट को पेन के लिए दवा देंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे, पेशेंट को एंटा एसिड देंगे, पेशेंट को लिक्विड और सॉफ्ट डाइट लेने के लिए बोलेंगे। लिक्विड डाइट इसलिए लेने को बोलेंगे कि पेशेंट को जो है क्या करेगा कि अगर सॉलिड हार्ड डाइट खाएगा तो इसको इंटेस्टाइन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा गैस बनेगा इंटेस्टाइन में, तो फ्रूटनेस की स्थिति पैदा होगी और उसको पेन ज़्यादा होगा। यदि एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, एंटीफंगल इन्फेक्शन है तो एंटीफंगल फुलकोनाजोल वगैरह ये सब देंगे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में उसको लिक्विड और सॉफ्ट डाइट देंगे। सपोर्टिव थेरेपी में क्या करेंगे, उसके इन्फ्लामेशन से रिलेटेड यदि पेन है तो पेन का हम लोग दवा देंगे। अगर उसका और कारण है जैसे रीनल फेल्यूर का पेशेंट है, लीवर का है, सिरोसिस का है, तो उससे रिलेट करके उससे संबंधित डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करेंगे। कभी कभी पेरिटोनाइटिस को इन्फेक्शन के चलते पेरिटोनियम के एब्डोमिनल कैविटी में पस जमा हो जाता है तो लेप्रोटोमी करके उसका पस निकाला जाता है, फिर एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक से वास किया जाता है। तो यह सब प्रक्रिया होता है, इसको बेसिक मैनेजमेंट हम लोग को जानना पड़ेगा, बाकी इलाज तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। एक्यूट पेन में हम लोग क्या करेंगे कि उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन एब्डोमेन में अगर है उसको हम लोग वाश करेंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा और जो होता है घाव और बढ़ने का चांस रहता है, तो हम लोग उसको लेप्रोटोमी करके उसके जो वहाँ पे जो जमा है एक्स्ट्रा फ्लूइड या फिर जो कलेक्शन पस का हुआ है उसको डिस्चार्ज करकर हम लोग एंटीबायोटिक और पेन किलर के द्वारा और आइसोलाइट इन्फ्यूजन के द्वारा हम लोग उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। अब नर्सिंग वाले स्टूडेंट को क्या क्या एब्जॉर्ब करना होता है इसके दौरान थोड़ा सा पॉज करो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे असिस्ट एंड रिपोर्ट द फ्रीक्वेंसी लोकेशन एंड नेचर ऑफ द पेन, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसको देखना पड़ेगा कि पेरिटोनाइटिस का जो पेशेंट है उसके रिपोर्ट के अनुसार कि पेन का फ्रीक्वेंसी क्या है, लोकेशन किस किस लोकेशन में पे किस रीजन में पेन हो रहा है और पेन का नेचर क्या है, कितने तरह के पेन है, रेफर पेन है कि कंटिन्यूस पेन है, क्या किस तरह का पेन का नेचर क्या है, इसको असिस्ट करना है। मेन पेशेंट को सेमी फॉलोवर पोजिशन में इंडिकेशन देना है मेंटेन करने का। प्रोवाइड द कंफर्टेबल मैसेजेस एग्जांपल फॉर मैसेज ऑफ बैक रब, उसके बैक को बैक साइड को है उसको रब करने का, मसाज कराना है। एडमिनिस्ट्रेशन एनाल्जेसिक, जो दवा पुर्जा पे प्रिस्क्राइब है एनाल्जेसिक पेन दे के रिलीफर के लिए एनाल्जेसिक का यूज करना है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है कि कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, उसका यूरिन का वॉल्यूम कितना 24 आवर्स में या फिर 8 आवर्स कितना 50 आवर्स में कितना आ रहा है। मेंटेन द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग ऑब्जर्व द ड्रेनेज ऑफ खून, मतलब कि जो ड्रेन वगैरह लगा हुआ है
किसी घाव में अगर कोई ऑपरेटिव घाव है, ड्रेनेज लगा हुआ है, तो ड्रेनेज से क्या आ रहा है, किस कलर का आ रहा है, वहाँ के इन्फेक्शन को ऑब्जर्व करना है, उसके लोकल एरिया को एंटीसेप्टिक से वॉश करते रहना है, उन पर एंटीसेप्टिक बैंडेज लगाना है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब, जैसा प्रिस्क्राइब है प्रिस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक, उसके गाइडलाइन के अनुसार प्रॉपर टाइम पे एंटीबायोटिक का यूज करना है, प्रॉपर टाइम पे एनाल्जेसिक का यूज करना है, ऑब्जर्व स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द ड्रेनेज ड्राइनेस, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को देखना है कि ड्राइनेस तो नहीं हो रहा है, इसको एब्जॉर्ब करना है, प्रोवाइड फ्लूइड थेरेपी प्रिस्क्राइब, जैसे फ्लूइड थेरेपी जो आईपी इन्फ्यूजन या आइसोलाइट इंबैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए जो भी फ्लूइड थेरेपी दिया गया है उसके अनुसार फ्लूइड का पेशेंट को इनमें फ्लूइड को इंसर्ट कराना है, प्रोवाइड डाइट एज द क्लियर लिक्विड, पेशेंट को क्लियर लिक्विड सॉफ्ट फूड देना है, हाँ पेशेंट विद द टॉलरेंस, जो पेशेंट बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हार्ड फूड जो है पेशेंट बर्दाश्त नहीं करेगा, तो यह सब चीज़ पे हम लोग ध्यान देकर पेरिटोनाइटिस के मरीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि पेरिटोनाइटिस जो बीमारी है, जो एब्डोमेन के कवरिंग करने वाले, जो रक्षा करने वाला जो कवच होता है, जो मतलब कि कवरिंग है, जो परत है, उसमें इन्फेक्शन अगर हो गया तो किस तरह का बीमारी हो सकता है, तो वह पेरिटोनाइटिस कहलाएगा। पेरिटोनाइटिस में हम लोग जाना।